मतलब इन स्टेट क्राफ्ट जो इनकी कहने मतलब काइवली का को क्या कहना था स्टेट क्राफ्ट क्या है मतलब स्टेट क्राफ्ट मीन्स आर्ट ऑफ रूलिंग एंड गवर्निंग मतलब कि एक बेसिकली ये पूरी जो थ्योरी है ये एक प्रिंस के बारे में है मीन्स कि एक किंग के बारे में है उसमें बता ये बताते हैं कि एक किंग को कैसे कैसे रहना चाहिए कैसे कैसे सजेशंस देते हैं उसको कि कैसे उसको रूल करना है ठीक है तो आपको उसका स्टेट काफ्ट वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है आर्ट ऑफ रूलिंग एंड गवर्निंग हिंदी में कहे तो शासन कला इन्होंने टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दी है स्टेट्स की टू टाइप्स में डिवाइड किया है स्टेट को एक बोला उन्होंने नॉर्मल स्टेट एक बोला उन्होंने प्रिवेंटेड स्टेट नॉर्मल इन्होंने क्या किया डिस्टिंग्विश किया नॉर्मल और प्रिवेंटेड स्टेट को नॉर्मल स्टेट क्या है जो क्या है लॉ अबाइडिंग है और फेथफुल है सच्चाई है मतलब सच्ची है जिसके अंदर क्या है स्पिरिट ऑफ पैट्रोजम है टूवर्ड द स्टेट एंड हमेशा क्या है रेडी है अपने क्या करने के लिए डिफेंड करने के लिए मतलब कभी भी एनिमीज के सामने अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी है वो स्टेट रक्षा करने के लिए उस अपनी स्टेट की नेक्स्ट है प्रिवेंटेड स्टेट अपो अफकोर्स की बात है नॉर्मल स्टेट जो है इन दोनों की डिस्टिंग्विश की बात की गई है तो नॉर्मल जो प्रिवेंटेड स्टेट स्टेट होगी वो नॉर्मल स्टेट के अपोजिट होगी जैसे कि नॉर्मल स्टेट जो थी वो लॉ अबाइंडिंग थी फेथफुल थी तो प्रिवेंटेड स्टेट क्या होगी नॉट लॉ अबाइंडिंग होगी इसको इन्होंने क्या कहा? है बैड स्टेट कहा है और ये क्या होगी फेथफुल नहीं होगी और ये क्या है इसमें क्या होगा उसमें क्या था नॉर्मल स्टेट में क्या था कि उसमें पेट्रोइम uh, की स्पिरिट थी इसमें क्या है लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ पेट्रोइिज्म इन दैम अब हम चलते हैं मै ने जो थ्योरी ऑफ स्टेट आ, प्रिजर्वेशन दी है उनकी जो बुक थी द प्रिंस उसमें उन्होंने वेस बताए हैं स्टेट प्रिजर्वेशन के और ये इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं कि हमें कैसे कैसे स्टेट को क्या करना है प्रिजर्व करना है फर्स्टली वो कहते हैं कि रिपब्लिक स्टेट जो है वो क्या है बेस्ट वन है बट पॉपुलर कंडीशंस को प्रिवलिंग कंडीशंस को देख के उस टाइम की वो क्या फेवर करते हैं कि उसको मोनारिकल स्टेट को वो कहते हैं मोनारिकल स्टेट एज इट वॉज पॉसिबल ऑफ रियलाइजेशन इन सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं कि जो मैकेवली स्टेट है वो क्या होनी चाहिए कम्प्लीटली सेकुलर इन नेचर होनी चाहिए एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए मीन्स की उनके अंदर कोई भी डिवाइन थ्यूरी नहीं होनी चाहिए ही डू नॉट मतलब कि वो जो उनकी जो स्टेट है वो कम्पलीटली सेकुलर होनी चाहिए वो डिवाइन थ्यूरीज पे बेस नहीं होनी चाहिए थर्ड में वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकेवली कि एक स्टेट के पास क्या होनी चाहिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए ताकि कभी भी क्या हो वॉर्स हो कुछ भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारी वॉर हो तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े और हमें किसी पे क्या करना पड़े मर्सनरी सोल्जर्स ना लेने पड़े फॉरेन मर्सनरी सोल्जर्स ना लेने पड़े मर्सनरी मीन्स किराए पर सोल्जर्स ना लेने पड़े किसी से वो कहते हैं कि जो है स्पीयर्स ऑफ ऑपरेशन है स्टेट और चर्च की स्टेट और चर्च में क्या है क्लियर कट डिफेंस है उन्होंने क्या कहा है? कि स्टेट में क्या होने लॉस होने चाहिए. Uh, मतलब एक uh, जो है उनको क्या करना चाहिए एक पोजीशन देनी चाहिए ताकि क्या हो फंडामेंटल डेवलपमेंट हो सके किसकी सिविल की और मॉरल वर्चुअर्स की अमंग द सिटीजन के बीच में ठीक है और किसके लिए एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए और उन, आ, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए स्टेट के अंदर ठीक है और वो कहते हैं कि स्टेट जो है उनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए एक्सपैंड होती है खुद से टाइम के साथ साथ वो क्या होती है एक्सपेंड होती जाती है और शुड पैनिश हो जाती है और वो लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि वो क्या करते हैं कंप्लीटली अबॉयड है एरिस्टोक्रेटिक है एंड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं अब वो क्या कहते हैं कि वो कुछ सजेशंस देते हैं किसको प्रिंस को उसकी पावर के लिए कि मतलब कि एक किंग है उसके पास क्या पावर होनी चाहिए हाँ और उनको उसको क्या कहते हैं सजेशंस देते हैं उसकी पावर से रिलेटेड पहले तो वो बताते हैं कि मैकेवली जो है वो कोई फलासफ़र नहीं है वो एक प्रैक्टिकल स्टेट्स मैन है और जिनका मेन मोटिव है क्या कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट इसमें इसके बारे में वो कंसर्न प्राइमरी इस सब चीज़ों के बारे में उसमें बताते हैं वो ठीक है फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस को क्या होना चाहिए रूथलेसली होना चाहिए रूल क्या करना चाहिए उसको रूथलेसली रूल करना चाहिए एक प्रिंस को ब्रेव होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज अ लॉन्ग लाइन एंड क्लेवर एंड शेड होना चाहिए लाइक अ फॉक्स मीन्स की वो कम्बाइंड होना चाहिए बेस्ट क्वालिटीज का मतलब कि वो एज अ फॉक्स भी होना चाहिए और एज अ लाइन भी होना चाहिए खुद में नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस को क्या करना चाहिए पीस को मेंटेन करना चाहिए और स्टेट के ऑर्डर्स को भी मेंटेन करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस के पास क्या होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग और नेटिव आर्मी होनी चाहिए उसकी खुद की ताकि कभी भी कुछ वॉर्स वगैरह हो जाए तो उसको किसी फॉरेन uh, कंट्री से सोल्जर्स ना नहीं मांगने पड़े एक प्रिंस को खुद में ही क्या होना चाहिए गुड सोल्जर और कमांडर होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए अपनी नॉलेज को रेलिवेंट uh, करना चाहिए वॉर टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी को भी रेलिवेंट करना चाहिए मतलब बताना चाहिए अपने आगे सोल्जर्स जितने भी हैं उनको गाइडेंस देनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस को क्या करना चाहिए प्रिंस के अंदर क्या होना चाहिए फीलिंग ऑफ पैट्रोइम होनी चाहिए मतलब अपने मन में उनके अंदर फीलिंग ऑफ पैट्रोइम को बढ़ाना चाहिए और इनकी क्या होनी चाहिए उनके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए सोल्जर्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस जो है एक किंग जो है उसको हमेशा क्या होना चाहिए हर प्रोमिस को फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है वो फ्री है जस्टिफाई है कि मतलब वो उन प्रामिस को क्या कर सकता है ब्रेक भी कर सकता है क्यों अगर कभी स्टेट के इंटरेस्ट की बात आए तो वो उन प्रोमिस को क्या कर सकता है ब्रेक भी कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि अगर एक प्रिंस है किंग को क्या करना है पॉपुलर होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा दो लोगों से प्यार लोगों के प्यार को जीतना होगा सिंपत्ति को जीतना होगा कॉपरेशन करना पड़ेगा पीपल्स के साथ तो ही वो क्या कर सकता है पॉपुलर हो सकता है अपने सब्जेक्ट्स में अब नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि जो प्रिंस है उसको हमेशा हॉनेस्ट होना चाहिए उसको अपनी पोजीशन और अथॉरिटी को क्या करना चाहिए होल्ड करना चाहिए स्ट्रेंथन करना चाहिए ना कि उसको क्या करना चाहिए डिसहोनेस्ट होना चाहिए चीटिंग करना चाहिए फ्रॉड ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि प्रिंस को क्या करना चाहिए हमेशा पर्सनल प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए और वुमेन्स रिलेटिव जितने भी इशू सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी और वुमेन जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं जो क्या कहते हैं हमें टच मतलब अंदर से चुपते हैं अगर हमें कभी भी बुरा लग जाए कुछ भी हो जाए मतलब कि वो थोड़े डीप टाइप के होते हैं uh, मतलब ये रिलेशन्स जो होते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रिंस को क्या होना चाहिए किसी के साथ भी मिक्स नहीं हो जाना चाहिए किसी भी टॉम के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए डिक के साथ हैरी के साथ मिक्स नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि एक प्रिंस जो है उसकी एक खुद की इमेज होती है उसकी खुद की एक पोजिशन होती है एंड उसके क्या होना चाहिए किंग जो है उसकी कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए परमानेंट एनिमीज नहीं होने चाहिए उसके आगे पीछे नाउ अब हम चलते हैं क्रिटिसिज्म पे इसके मैकेबली व्यू ऑन स्टेट क्राफ्ट क्रिटिक्स कहते हैं कि इन इसने मैकैली ने क्या किया है टू एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को क्या किया है कंबाइन कर दिया है डेपोजिशन और इंडिविलिज्म को जो क्या करता है कन्फ्यूज फिलोसफी को बनाता है रिजल्ट उसका क्या होता है कन्फ्यूज फिलासफी बन जाती है उससे नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि मकैवली ने क्या किया जो रूलर था उसको अनलिमिटेड पावर दे दी मतलब कि उसने ये नहीं कहा कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ लॉ और मोलिटी सबकी चीज़ की उन्होंने बात ही नहीं की उन्होंने कहा कि जितना भी ग्रॉस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटिज्म होगा वो किससे कौन लेट करेगा वो करेगा एक रूलर मतलब कि जितना भी पूरा कुल राज्य होगा राज्य का सिद्धांत होगा वो एक रूलर चलाएगा लेट करेगा इन्होंने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट में क्रिटिक्स ने कहा कि मैकेबली ने कहा कि जो प्रिंस है उसको बिल्कुल चलाक होना चाहिए अनफेथफुल ईमानदार ना होना चाहिए बट ये क्या था गलत था ये जो इसमें कैवली का व्यू था स्टेट क्राफ्ट को लेकर ये क्या था एक्सट्रीम था नैरो था नैरो वर्जन ऑफ नेशनलिज्म था इसमें एक साइड पे और एक साइड पे उन्होंने कहा कि एंटी इंटरनेशनलिज्म की बात की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की दूसरे साइड पे एंड इन लास्ट पॉइंट वो कहते हैं कि रिलीजन जो है उनको इन्होंने कहा कि रिलीजन जो है वो एज अ टूल यूज हो रहा है पॉलिटिकल मोटिव्स में तो ये भी इसका क्या था क्रिटिसिज्म था एक सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू